नमस्कार साथियों, आज के सेशन में हम समझने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले एक बहुत बड़ा कैंपेन के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्ग आउट के बारे में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाला एक बहुत बड़ा जन आक्रोश के बारे में। साथियों, आंदोलन क्यों होने वाला है? क्या कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा आंदोलन होने वाला है? साथियों, एक विश्व का बहुत बड़ा आंदोलन है जिस आंदोलन का नाम है लॉन्ग आउट कैंपेन। साथियों, लॉन्ग आउट कैंपेन क्या है, क्या हुआ है, इसको हम समझते हैं। 2021 तक जब भारत देश में जो सोशल साइट कंपनियां भारत देश की है, चाहे वो फेसबुक है या फिर इंस्टाग्राम है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग इनसे परेशान हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है, इनसे लोग बाग इसलिए परेशान हैं क्योंकि इनका रवैया ठीक नहीं है, इनका पेमेंट करने का सही तरीका नहीं है, इनका अकाउंटेबिलिटी सही ढंग से इनका काम नहीं कर पाती है, इनकी नीतियों से लोग बाग परेशान हैं। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के विभिन्न देशों ने फेसबुक और इंस्टाग्राम के मालिकों से बात किया। उन्होंने कहा कि भैया, आप अपने लेवल पे आइए, आप अपने अनुसार काम करिए, आप जनता को लेकर के विश्वास दिलाकर के काम करिए। लेकिन साथियों, फेसबुक और इंस्टाग्राम के प्रमुख लोगों ने बात मानने से मना कर दिया है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्ग आउट कैंपेन की शुरुआत होगी। जैसे भारत देश में जब 1984 में गोल्डन टेंपल के ऊपर इंदिरा गांधी सरकार ने जब अटैक कर दिया था पाकिस्तान ने, उस समय इंदिरा गांधी सरकार ने उनका विरोध किया और उनको मार गिराया। इस समय ऑपरेशन चलाया था हम लोगों ने, ऑपरेशन मेघदूत। जैसे जम्मू कश्मीर में अंग्रेज जो है आतंकवादियों ने, तालिबानियों ने अटैक कर दिया था 1971 में, और 1999 में, जैसे 99 में किया हुआ था, 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। तो साथियों, कारगिल जब युद्ध हुआ तो कारगिल युद्ध के समय भारत देश ने चलाया था ऑपरेशन जिसका नाम था ऑपरेशन तिलवार। जैसे साथियों, अभी भारत देश ने कोरोना काल में मालदीव से और आस पास पड़ोस के देशों से व्यक्तियों को बुलाने के लिए कोरोना काल में ऑपरेशन चलाया था समुद्र। तो उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10 नवंबर को एक बहुत बड़ा विश्वव्यापी आंदोलन होने वाला है जिसमें सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले हैं, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम की मनमानी हो रही है। इसी को, मनमानी को रोकने के लिए ही लॉन्ग आउट कैंपेन की शुरुआत हो रही है 10 नवंबर को। साथियों, अलग-अलग लोगों ने इनका राय दिया हुआ है, चैलेंज भी दिया हुआ है। कोई कहता है कि समय आने पर पता चल जाएगा कि फेसबुक जो कंपनी है, फेसबुक अपने आप को क्या समझती है, क्योंकि हम बोले हम यदि यूज करना बंद कर देंगे। एक व्यक्ति कहता है, जैसे कैरोज की सीईओ मारियाना कहती है कि बोले फेसबुक और इंस्टाग्राम ने हम लोगों को जगह दिया है, स्पेस दिया कि हम यूज कर सके। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे ऊपर एहसान बता रही है, यदि हम उसको बंद कर दे तो बोले उसको पता नहीं कि क्या होने वाला है। साथियों, ऐसे ही अकाउंटेबिलिटी टेक के सीईओ ऋषि भारवानी कहते हैं कि बोले हम लोग यदि इसको बंद कर दे तो विश्वास नहीं हो रहा है फेसबुक और इंस्टाग्राम को, कि यदि हम लोगों ने बंद कर दिया इसका यूज करना तो 98.5 जो इनकम होती है साथियों, ये डेटा से होती है। यदि हमने डेटा यूज करना बंद कर दिया, ये फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज करना बंद कर दिया, तो बोले इनको विश्वास नहीं होगी, इनकी कंपनियां तक बंद हो जाएगी। लेकिन हम लोग बोले इसको मानना बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं कि भैया आप हमारी बात को मान लीजिए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करिए, लोगों का डेटा चुराइए मत, लोग दूसरे को बेचिए मत, इससे आप इनकम मत करवाइए, हमारा डेटा बेच बेच के कब तक आप पैसा कमाओगे। इसके लिए बोले आपको समझना पड़ेगा, और नहीं समझेंगे तो 10 नवंबर तक आपको समय दे रहे हैं, और 10 नवंबर के बाद में बोले हम आपको समय नहीं देने वाले हैं, हम आंदोलन करेंगे, विश्व के संपूर्ण देशों के लोगों को बताएंगे और आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम को बंद करवा देंगे। साथ ही उम्मीद करूंगा आपको लॉन्ग आउट कैंपेन के बारे में कुछ जानकारी मिल चुकी होगी। लॉन्ग आउट कैंपेन मतलब फेसबुक और इंस्टाग्राम के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वव्यापी आंदोलन है।